जी है, सदर मीर जी इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आप बच्चियां ये ना समझो कि आपका कोई यहाँ पर मतलब बंदा कोई सारा आपका नुमाइंदगी है और आपकी तर्जमानी करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है। तो सर मैं आपका बिना वक्त गवाए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस इंस्टीट्यूशन में। और आप जैसे पीछे देख रहे हो बहुत से एप्स के बारे में सर ने आपको एड्रेस करना है। और आपको क्यों चुनते हैं वो एक्चुअली ये ब्राइज में रखा था प्रोग्राम, लेकिन भानु सर के हम मशहूर हैं कि उन्होंने वो वैल्यू वहां बहुत कुछ आपको जो है भानु प्रताप जी ने और सदन मीर जी ने जो है वो बताया है। अब ये प्रोग्राम जो है ये किस लिए होते हैं, ये प्रोग्राम इसलिए होते हैं कि बच्चों को अवेयर किया जाए। आज बहुत से एक्ट जो है चाइल्ड ऑफेंस जो है चिल्ड्रन ऑफेंस के जो केसेस आपने इनको बताए इन्होंने आपको बताए, होप कि आप ये अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने मोहल्ले में ये पॉस्को एक्ट के बारे में बताएंगे, जो इन्होंने आपको चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया कि उसकी एज जो है क्या है, किस एज में मैरिज होनी चाहिए। और अगर आपके पड़ोस में या आपकी कहीं फ्रेंड्स जो है अगर उनकी कहीं इंगेजमेंट हो जाती है, मैरिज फिक्स हो जाती है, तो एटलीस्ट आप उनको जाके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इसके हम स्ट्रगल करते आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में ये बच्चियों को छोटी उम्र में शादी कर देना इनकी ये कुप्रथा चली आ रही थी। हम छोटे छोटे थे तो हमारे टीवी पे एक एड चलती थी कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दो तो मानसिक और शारीरिक रूप से ये लफ्ज यूज किए जाते थे, मानसिक और शारीरिक रूप से वो इस योग्य नहीं होती कि वो शादी जैसे इस जो कैरी आउट कर सके। क्योंकि हम देखते हैं अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो चाइल्ड और मैरिज जो है ये दोनों एक कॉन्ट्रेरी वर्ड्स है, क्योंकि चाइल्डहुड में बचपन में जो देखा जाए मैरिज की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है, शादी जो होती है वो एडल्ट के लिए होती है। क्योंकि अगर हम देखें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शादी जो है वो एक सेक्रेट एस्पेक्ट है, एक पवित्र एस्पेक्ट है, मगर अगर हम लीगली एस्पेक्ट से देखें तो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल है। मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज। अब अगर आप एक छोटी उम्र की बच्ची को मान लीजिए, जैसे हमारी सोसाइटी में स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर हम 1929 देखें तो ये 14-15 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया था। आज भी हमारी सोसाइटी में 14-15 सालों की उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। अब एक छोटी सी बच्ची है, आप उसको बचपन में ही अगर उसकी शादी करवा देंगे तो वो किस तरीके से, शादी का दूसरा नाम है बार बार बच्चों के बीच में आना, ये चाहे कॉलेजेस में जाना टू रेज लीगल अवेयरनेस अमंग द मासेस, क्योंकि स्कूल्स में आपको साइंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है, हिंदी के बारे में पढ़ाया जाता है, बट ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं जो बच्चों के राइट्स के रिगार्डिंग है, ये चीजें जो है अभी हमारे करिकुलम में इतने अच्छे तरीके से इन पर फोकस नहीं किया गया है। ऑल्दो यू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन योर सोशल स्टडीज, आपकी सिविक्स की बुक्स जो रहती होंगी उसमें आप पढ़ते होंगे, whereas आज आप देखिए today is the time when we have mobiles in our hand, when we can by the click of a button we can see कि all around the world what is happening. So India की बात करें, हर जगह ये global scenario है कि the crime against children is on rise, बढ़ रहे हैं बच्चों के जो भी रिलेशन में, आप देखिए हु इज अ चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में पास हुआ, दिस एक्ट डिफाइंस एनीवन टू बी अ चिल्ड्रन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स, चाहे वो मेल है या फीमेल है, 18 साल पढ़ रहे हैं बच्चों के जो भी रिलेशन में, आप देखिए हु इज अ चाइल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉस्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस Act 2012 में पास हुआ, this act defines anyone to be a children who is under the age of 18 years, चाहे वो male है या female है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, वो 18 साल से कम जो है वो बच्चे उनकी कैटेगरी में आते हैं। सो ये जो एक्ट में पर्टिकुलर क्या पड़ गई, देखिए हमारी आईपीसी में सेक्शन 354 बट ये चीजें देखी गई कि बच्चों के कंटेक्स्ट में ये जो क्राइम है ये बढ़ रहा है, और जो प्रेडेटर्स है जो करने वाले हैं वो बहुत सारे केसेस में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके नॉन फ्रेंड्स होते हैं या वो लोग होते हैं जिनके साथ वो जो विक्टिम है जो बच्चा है वो मुखातिब होता है। इसीलिए हमारी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी
की डायरेक्शंस पे हमारे जो चेयरमैन डालसा जनाब अशोक कुमार साहब हैं और हमारे सेक्रेटरी डालसा जनाब बजाज हुसैन साहब, उनकी गाइडेंस, उनकी सुपरविजन में ये हमने जो लीगल अवेयरनेस